फॉरेन ट्रेड के पैमाने पर आप इस सरकार के काम को कैसे आंकते हैं? फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है ट्रेड कॉमर्स। तो ये खुद प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम होते थे तो ये कहा करते थे कुछ नहीं है सिवा व्यापार के, सिवा व्यापार के। और इस बात में सच्चाई भी है जी, वो एक स्तर पे वो सही बात कह रहे थे, लेकिन आपने उसको रियलाइज नहीं किया। अब देखिए छोटी छोटा छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। कनाडा गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए जस्ट तो उनको, हाँ, तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ ये तो हमारी मीडिया में भी छपा। ट्रंप के साथ एक ऐसी बात कही गई कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक केमिस्ट्री है गवर्नमेंट की। आप देखिए स्थिति, मोटरसाइकिल और विस्की के दाम पे बहस आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की मिमिक्री की कई बार। आपको एक और छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। शायद G20 की मीटिंग थी, उसका भी यूट्यूब पर वीडियो है, बहुत सुंदर वीडियो है। प्रेसिडेंट पुतिन, रूस के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एक दो और बैठे हुए हैं राष्ट्राध्यक्ष, और उस सेशन को इंटरव्यू कर रही हैं मेगन केली, जो फॉक्स की, उस समय फॉक्स में थी, अब शायद NBC में है। तो वो पूछ रही थी पुतिन से कि आपने हमारे यहाँ, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो है आपने इंटरफेरेंस किया था, और वो अपना जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अपना दोनों में चीज़ हो रही है बातचीत। इसी बीच में, इन दोनों के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, तो उसने प्राइम मिनिस्टर से पूछ दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अरे भाई, जहाँ पे पुतिन, ट्रंप और ऐसे बड़े बड़े लोगों की बात हो रही हो तो मैं उसमें क्या बोलूँ। अब आप देखिए, एक बात को टालने में और एक हंसी मजाक में कह देना, ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो प्राइम मिनिस्टर के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। लेकिन एक स्टेट्समैन को बहुत दूसरे तरीके से इसी बात को कह देना चाहिए था। वो ये भी कह देते कि भाई, आप लोग इंक्वायरी कर ही रहे हैं, जांच कर ही रहे हैं, और ये आपका और इनका मामला है, मेरे अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, मुझे मेरे रूस से भी अच्छे संबंध हैं, तो मैं इसमें कुछ इस तरीके की बात नहीं कहना चाहता। तो आप ये कहते हैं इतने बड़े लोगों की बातें हो रही हैं, कमाल है भाई, आप भी एक बड़े लोकतंत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि शुरुआत में जब ये विदेश यात्राएं करते थे तो इनका ज्यादा जोर जो होता था वो वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है उसको एड्रेस करने, उसको एड्रेस, जी बिल्कुल। और एनालिस्ट बताते हैं कि एनालिस्ट दौरे में एक ऐसा इवेंट उनके लिए होता था, प्लान होता। और एनालिस्ट ये बताते थे कि वो बेसिकली जब देश में भी कई छोटे छोटे चुनाव होते रहते हैं हमारे यहाँ राज्यों के, तो उनको इन्फ्लुएंस करने की, मतलब एक तरीके से आप कहिए कि वो इलेक्शन प्रचार ही होता था, ठीक है, समझिए रणनीतिक। और ये पहली बार हुआ इतिहास में कि पिछले 5 सालों में प्राइम मिनिस्टर जब भी बाहर गए हैं उन्होंने, आप ट्रंप और रशिया पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप देश की अंदरूनी राजनीति को आप बाहर के प्लेटफॉर्म पे आप बोल रहे हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डिग्निटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, बहरहाल, लेकिन हम छोड़ दें, चलिए, राजनीति इतनी सारी चीज़ें हैं तो चलती रहती हैं। लेकिन कोई भी लेवल पे, WTO में मामला किसानी का फंसा हुआ है, आप किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर ही नहीं सकते। अभी हमारे यहाँ डिबेट में ये बात नहीं हो रही है, WTO में क्लॉज है कि आप अपने किसानों के की कितनी मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर आप किसानों की मदद करेंगे तो ये कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करेंगे, और ज़्यादा लागत में उत्पादन करने वाले जो बाकी किसान हैं दुनिया के और देशों किसान, तो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में आपके किसानों का अपर हैंड हो जाएगा जी। तो इस पर मनाही है, और ये मनाही विकसित जो देश हैं, जो खुद अपने किसानों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, अमेरिका, जापान, ऐसे, उस मुद्दे पे पिछले कई सालों से झगड़ा चल रहा है, मनमोहन सिंह के ज़माने से चल रहा है। उसमें चीन, भारत और करीब 100 देश हैं जो एक ग्रुप बना हुआ है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। दूसरी चीज़ कि हमने स्टार्टअप्स को और ई कॉमर्स को बहुत सेलिब्रेट किया पिछले दिनों कि भाई बढ़ रहा है, ये हो रहा है, लास्ट में जाते जाते देखिए क्या हो रहा है, अभी कौन सी नीति लाई गई, क्या हुआ है, और उससे क्या हुआ कि अमेजन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसे लोगों को दिक्कत होने लगी, बड़े प्लेयर्स के। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इन नीतियों से आपके किसी लोकल स्टार्टअप को जो है फायदा है,
या लोकल रिटेलर्स को फायदा है, आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो आप बाहर गए, अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया, निर्यात आपका लोएस्ट है, निर्यात बढ़ नहीं रहा है, तो भाई हम कौन से समझौते कर रहे थे। और एक चीज लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक ईमानदारी रही है सरकार की, कि पहले अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स के, तो क्या होता था कि कई बार प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो किसी देश का, तो वो रजिस्टर पे साइन करेगा और फिर एक दूसरे से रजिस्टर की अदला बदली होगी फिर साइन होगा, या प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स पीछे खड़े रहेंगे, मंत्री आपस में कुछ समझौते करते, और फिर हम लोग अखबारों में पढ़ते थे कि फलानी फलाने मामले में समझौता हुआ है, ये होगा वो होगा। आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के फॉरेन विजिट्स में इस तरीके के आयोजन सबसे कम हुए हैं जी, फाइल एक्सचेंज का कोई ऐसा विजुअल देखने में नहीं आया, नहीं आया। और कुछ कुछ हुआ भी है तो कल्चरल, उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप हम दे देंगे, कोई आके दूरदर्शन में ट्रेनिंग लेके चला जाएगा, यूनिवर्सिटीज में कुछ हो जाएगा, या कल्चरल कुछ और भी चीजें कर देंगे, वहां का फोक गाने वाला यहाँ आएगा, यहाँ का फोक गाने वाला, इस तरीके की बातें हुई हैं पीछे। तो मैं नहीं समझता। अच्छा, एक बहुत दिनों से, करीब 20 सालों से एक अटका हुआ प्रस्ताव है हमारा देश का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है टेररिज्म पे। ये सरकार तो टेररिज्म पे बहुत सख्त स्टैंड लेने वाली गवर्नमेंट अपने आप को कहती है, बिल्कुल मेन एजेंडा में था। 1996 से यूनाइटेड नेशन के सामने हमारा प्रस्ताव पड़ा हुआ है कि एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो एंटी टेररिज्म, हाँ, और उसमें टेररिज्म को कैसे फाइट किया जाए इस पर एक कंप्लीट बहस हो। क्योंकि क्या होता है, मैं जिसको आतंकवादी कहता हूँ उसको कोई देश जो है फ्रीडम फाइटर या कुछ और बोलता है, सिंपथाइज करता है। तो इस बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बने, इस पर भारत 1996 से कह रहा है। क्या हमारी सरकार ने सिवाय रेटोरिक के, और हमारे विदेश मंत्री या राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने में एक आध लाइन में इसका जिक्र करने के अलावा, क्या उन्होंने इस मुद्दे पे प्रेशराइज किया, फोकस किया, यानी आतंकवाद का मुद्दा भी किसी तार्किक परिणति तक नहीं गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट की जो कमिटीज होती हैं, हमारी पार्लियामेंट में कमिटीज ने एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगस्त 2017 में और जनवरी 2018 में पार्लियामेंट को रिपोर्ट सौंपी है खुद हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, कि हमारी सरकार का कश्मीर के ऊपर और डिफेंस पे पॉलिसी नहीं है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी पार्लियामेंट को बता चुकी है जी, लेकिन कोई बहस नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई उस पर। तो उसका नतीजा आप देखिए, 2003 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के टाइम में पाकिस्तान से हमारा युद्ध विराम हुआ था। 15 सालों में सबसे ज्यादा युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं इस बार हुई हैं, जो करीब करीब 3000 हैं, 2900 समथिंग, जो हम पाकिस्तान पर आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। आप देख रहे हैं कि हमारे मिलिट्री सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कश्मीर के भीतर और सीमा पे लगातार कैजुअलिटी बढ़ी है पिछले 3-4 सालों में। ये सब डेटा है और खुद सरकार ने संसद को बताया है। कश्मीर में आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ था, खुद उसमें ये लोग पार्टनर थे, उस सरकार को भी पता नहीं क्यों गिराया गया, क्या हुआ, अचानक कश्मीर जो है आज के डेट में अस्थिर बना हुआ है। तो फिर कौन, कहां से आप आतंकवाद पे, और आप भी जानते हैं जब पाकिस्तान जब सेलिंग करता है, जब पाकिस्तान गोला बारूद मारता है, तो उसकी एक, उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी होती है कि वो घुसपैठ को कवर फायर देता है, मतलब इधर अचानक बमबारी होने लगेगी और उधर से घुस जाएगा सब। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की और आपने तमाशा बनाया इतने युद्ध विराम के उल्लंघन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवाद के मसले पे या नेशनल सिक्योरिटी के मसले पे, कश्मीर को लेके या पाकिस्तान को लेके हमारी सरकार गंभीर नहीं है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, या ईमानदार नहीं है, मैं ये नहीं मान रहा हूं। हो सकता है कि उनकी नीयत साफ हो, लेकिन प्रगति देखने में, लेकिन नीतियां कहां हैं?